थे जो अपने यू नो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए नहीं, वेलबींग के लिए नहीं, स्टेट का वो नहीं कर रहे, तो उन सभी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमेशा हम लोगों को कंप्लेन आता है कि अरुणाचल में बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया हो गया, विद कंट्रोल इट। ये रेगुलेशन हम लोग अकेला नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे जो ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है कि आप लोग उनको प्रेस ब्रीफिंग देते हो, उससे क्या होता है कि उन लोगों को एक बढ़ावा मिलता है। ये लाइव स्ट्रीमिंग करना एक बहुत बड़ा कंसर्न रह गया इवन फॉर सीनियर जर्नलिस्ट, और ये सीसीटीवी वाले जर्नलिज्म को लेकर बहुत सारा चर्चा हुआ है। हमने सोच के रखा और आप सबसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि न्यूज वाला पैसा लेके न्यूज बनाता है, बट इट इज नॉट, क्योंकि न्यूज का क्लियर कट बता रही हूँ कि न्यूज के लिए कोई पैसा चार्जेस नहीं, आप लोगों को भी नहीं देना है, और जो न्यूज चैनल्स है उन्हों वो भी चार्ज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस ये प्रमोशनल वीडियो है या फिर एडवर्टाइजमेंट कुछ सेक्शन हुआ तभी लेते हैं, और ये न्यूज के लिए कोई पैसा नहीं ले सकते। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज जीती तागम एंड आई एम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन फॉर द सेशन 2022 to 2025। सो टुडे वी हैड आवर इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स फॉर एडमा एट होटल पिप्स कॉन्फ्रेंस हॉल ईटानगर। So I would like to read out the newly appointed executive members of EDMA. So President, I myself, the General Secretary is already Ms. Sanghe Droma. And Vice President, we have appointed Sri Jackson Tang. And we have appointed Sri Ravi Kumar as Assistant General Secretary, Mr. Techi Tat as Treasurer, Mr. Nyato Mosing as Convener, Mr. Yuvraj Mehta as IPR Secretary, Mr. Sambo Flago as Auditor, and Mr. Kadar Natham as Assistant Auditor, and Ms. Agam Dui as Sports and Culture Secretary for smooth functioning of our association for next 3 years. So meanwhile, we had a very important discussion regarding the streamlining of media houses in our state, and also to uphold the quality of journalism we all digital media are pursuing. As of today, mushrooming of digital media house is a big concern for everybody, not just for the media fraternity. So in order to regulate the way we are publishing the news, we have come out with certain resolutions. Like the first, we have thought of discontinuing live streaming press conferences at Arunachal Press Club. And second, we also came up with regular issues of regular payment for staffs. And third, we also discussed about disciplinary action against our own members who are disrespecting and those who are not supporting our members. And regarding the quality of journalism we are pursuing, we have requested our EDMA members to keep their standard of contents and requested them to publish contents on daily basis, and also to make headlines and captions with proper facts and figures. And when it comes to mushrooming of digital media houses, we also request all those apex body, the student organization of Arunachal Pradesh and various association. आप लोगों को हमेशा हम लोगों को कंप्लेन आता है कि अरुणाचल में बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया हो गया, वी शुड कंट्रोल इट। ये रेगुलेशन हम लोग अकेला नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे जो ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है कि आप लोग उनको प्रेस ब्रीफिंग देते हो, उससे क्या होता है कि उन लोगों को एक बढ़ावा मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो काइंडली आप अरुणाचल प्रेस क्लब आइए। तो हम ये भी कंडीशन रख रहे हैं कि आगे से हम प्रेस क्लब में जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हम लाइव नहीं करेंगे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप विद इन नेक्स्ट 4 आवर्स आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी मीडिया हाउस को आप प्रेस ब्रीफिंग नहीं करना है। सो रिगार्डिंग द मेंबरशिप एंड रिन्यूअल ऑफ मीडिया हाउस इन अरुणाचल प्रेस क्लब इन एडमा, माई जनरल सेक्रेटरी मिस सांगे द्रोमा विल शेयर इट। गुड इवनिंग एवरी वन, जैसे ऑलरेडी हमारे जो प्रेसिडेंट उन्होंने बता दिया, तो इसके बारे में जो मेंबरशिप ड्राइव है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मेंबरशिप ड्राइव के बारे में बताना चाहूँगी कि बता दिया कि स्ट्रीमलाइनिंग को लेकर हम लोग तो ऑलरेडी कंसर्न होते ही हैं, जो स्टूडेंट यूनियन से लेकर पब्लिक काफ़ी सवाल रखते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने जो लाइव का जो बताया प्रेस ब्रीफिंग को लेकर वो हम जोड़ रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो मेंबरशिप ड्राइव का जो मेंबरशिप को लेकर बोल रहे हैं, तो हम लोग अब ऐसे कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सप्तों में हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करेंगे आइटमा का। और मैं क्लियर कट बताना चाहूँगी जितने भी जनता ये देख रहे हैं या ये भी जो ये रिपोर्ट देखेंगे, कि कोई भी जो भी मीडिया लो
वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में करते हो, आपका एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि आप अरुणाचल प्रेस क्लब के मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, या फिर आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मेंबर नहीं बन सकते हैं जब तक आप अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनते हैं। उसके लिए मेंबरशिप हम ड्राइव करेंगे, जिसका जो टर्म्स एंड कंडीशन आने वाले कुछ दिनों में हम आप सबको हाईलाइट करेंगे। और उस बीच में ये था मेंबरशिप ड्राइव के बारे में, जिसको हम लोग कोशिश करें फिल्टर करें और स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि कई लोग ऐसा नहीं कह रहे हम कि हमारा एसोसिएशन ये नहीं कह रहे कि जो भी फील्ड में जो नॉन रजिस्टर्ड है आइटमा से वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो नहीं कह रहे, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए नहीं, वेलबींग के लिए नहीं, स्टेट का वो नहीं कर रहे, तो उन सभी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम अभी ये मेंबरशिप ड्राइव करने वाले हैं। एंड एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी फील्ड में रहती हूँ, तो इस बार हमने एक रेजोल्यूशन, जैसे प्रेसिडेंट सर ने ऑलरेडी बता दिया है, तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल हैं उन्हें कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना पड़ेगा, फॉर दैट आप खुद दूसरे जो नॉन रजिस्टर्ड है या फिर जो लोग किस तरह से काम नहीं कर रहे उनसे आप बेहतर कंटेंट दिखा पाए और डेली बेसिस में हो। ऐसा नहीं होना है कि आप एक बार आइटमा से रजिस्ट्रेशन हो गया और आप सप्ताह भर में एक ही बार न्यूज़ डाल रहा है या फिर कंटेंट डाल रहा है, वो वैसा नहीं चलेगा। और इस बार हमने सोच के रखा, और आप सबसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि न्यूज़ वाला पैसा लेके न्यूज़ बनाता है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि न्यूज़ हम क्लियर कट बता रही हूँ कि न्यूज़ के लिए कोई पैसा चार्जेस नहीं आप लोगों को भी नहीं देना है, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हों वो भी चार्ज नहीं कर सकते अंटिल एनालिस्ट ये प्रमोशनल वीडियो है या फिर एडवर्टाइजमेंट कुछ सेक्शन हुआ तभी लेते हैं, और ये न्यूज़ के लिए कोई पैसा नहीं ले सकते। और जस्ट इन केस नॉन रजिस्टर्ड के लिए तो हम नहीं कह सकते, आने वाले में समय में उन लोग भी रजिस्टर्ड हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन एज ऑफ नाउ जो रजिस्टर्ड है उनके लिए हम कहना चाहेंगे, जो 9 रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल है एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में, तो उन सभी के कहना चाहूँगी कि अगर जस्ट इन केस हमारे न्यूज़ चैनल जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल से अगर आपको न्यूज़ के लिए आप लोग से पैसा मांगता है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें, हम उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो बस हम मेरे ओर से मुझे यही कहना था। थैंक यू। उसको लेके आवाज प्रेस ब्रीफिंग करके खत्म होके बाहर जाता है, उसमें जो अनरजिस्टर्ड मीडिया हाउस आके डायरेक्ट डायरेक्ट करता है, उसका आप लोग क्या सोल्यूशन पिकअप करेगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माई आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन अरुणाचल। सो आई कांट से अबाउट डिजिटल मीडिया, बट एज ऑफ टुडे आई थिंक देर आर 9 to 10 न्यूज पेपर्स, डेली न्यूज पेपर्स, एंड एज ऑफ नाउ देर आर अराउंड 9 डिजिटल मीडिया हाउसेज विच आर रजिस्टर्ड अंडर एडमा एंड एफिलिएटेड विद अरुणाचल प्रेस क्लब। सो रिगार्डिंग द लाइव ब्रीफिंग ऑफ आउटसाइड अरुणाचल प्रेस क्लब, सी वी कांट control such kind of contents being broadcasted outside the Arunachal Press Club, but we have thought of ye live streaming karna ek bahut bada concern reh gaya even for senior journalists, ye CCTV wale journalism ko lekar bahut sara charcha hua hai, to abhi hum ye koshish kar rahe hain ki jo bhi Arunachal Press Club mein aakar press conferences karte hain, ye hamara proposal hai ki wo for next 4 hours wo hamare news publish hone se pehle आप वो किसी मीडिया हाउस को वो प्रेस ब्रीफिंग नहीं करना पड़ेगा। इन केस यू आर डूइंग सो वी विल मेक श्योर वी आर पुटिंग अप अ कंडीशन दैट फॉर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मे बी द एपीसी विल नॉट अलाउ यू टू डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एक हमारा कंडीशन है इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द डिजिटल मीडिया एंड अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, क्योंकि लाइव करने से बहुत कुछ कभी कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी स्ट्रीम आउट हो जाता है एंड वल्गर कॉन्टेंट्स भी चला जाता है। Sir, my last question, and we have a 3 working union in our state, APUCH hai, APC hai, ADMA hai, ye tino milke jo up growing, newly naya itna sara channel aa raha hai, usko kitne bar aap log workshop karwate hai ki jo isko sikhate hai, okay. For concern of our state, okay. So regarding ethics of journalism, I think Arunachal Press Club and APUCH has been doing a lot of workshop since their establishment. But ADMA jo hai, humne last 2 saal mein bahut acha workshop kiya hai regarding ethics. Last year humne Notice Live editor ko bulaya tha, is bar humne NDTV ka editor ko bulaya hai, aur aage bhi karte rahega. Ye isliye hum kar rahe hain ki
चाहे आपके पास डिग्री हो, कभी कभी हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज कम हो जाता है, अब जान के भी अनजान हो जाता बन जाता है और गलतियां भी होता है। तो हमें बार बार चेंजिंग ट्रेंड्स को लेकर, डायनामिक सोसाइटी को लेकर हमें नए नए चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सो आने वाला साल में भी हम लोग वर्कशॉप डेफिनेटली करेंगे, और ये वर्कशॉप जस्ट नॉट फॉर एडमा रजिस्टर्ड मेंबर्स बट इट्स फॉर एनीबडी, द बडिंग जर्नलिस्ट, अगर आप एस्पिरेंट भी है जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए भी हम करते हैं। इट्स ओपन टू ऑल एक्चुअली, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। और प्रेसिडेंट को ऐड करते मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे और एक सवाल आता है कि जर्नलिस्ट कौन बन सकता है, उनको मास कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है क्या? तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट आप पैशनेट होना ज़रूरी है कोई भी काम को लेकर, अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हो तो। लेकिन हम भी सोचते हैं कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो या प्रोफेशन फॉलो करते हो तो आपको एटलीस्ट उनका एथिक्स, उसका जो नॉर्म्स जो रहता है वो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि आप लोग मास कम्युनिकेशन करें, वो एक होता है। और रहा बात जो वर्कशॉप को लेके बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जैसे आइडमा जब से हम जो मैं लास्ट टेन्योर में भी देने सकी थी, तो हमने कोशिश किया था कि वर्कशॉप रखें, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बहुत कम देखने को मिलता है। इस बार भी जब एनडीटीवी के चीफ एडिटर इन चीफ आए थे तब भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स कम था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नॉट ओनली इन, क्योंकि हम लोग ईयरली सिर्फ कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट यू नो क्वार्टरली या फिर जब भी हमें समय मिलता है तो हम लोग वर्कशॉप करेंगे, जहाँ पर नॉट ओनली सिर्फ रजिस्टर नॉन रजिस्टर्ड जो मीडिया हाउसेज है उनके जर्नलिस्ट को भी हम लोग इन्वाइट करेंगे, इवन लाइक ऑनर्स को भी इन्वाइट करेंगे, ताकि वो भी जाने मीडिया एथिक्स क्या है, ताकि जस्ट इन केस उनका जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट जो मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें भी वो थोड़ा फिल्टर कर पाए कि कौन सा रिपोर्ट किस तरीके से किया जाना है। जैसे सेंसिटिव स्टोरी अलग होता है, नॉर्मल स्टोरीज अलग होता है, ऑफ बीट स्टोरीज अलग होता है, वो सब वो जाने इंपॉर्टेंस जाने। और यह हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आने वाले साल में, तीन सालों में, कि जो आइटमा अभी तक करते आए उसे और अपग्रेड अच्छे तरीके से करें, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो हमारे लेट फाउंडर तारू चातुंग सर का जो सपना था, हम कोशिश करेंगे कि वो आगे ले जाए, और जो वो उनका जो सपना था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल को लेकर, मीडिया को लेकर एक पहचान बनाने का, हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, जितने भी नॉन रजिस्टर्ड है सबको हम साथ में ले जाए, और स्टेट के लिए और जितने भी लोग हैं पब्लिक के लिए भलाई।